नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 फरवरी। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से ही होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सिपाही बहाली की परीक्षा का डेट हुआ जारी। 20 जनवरी को स्थगित हुई सिपाही बहाली परीक्षा को लेकर केंद्रीय चयन परिषद ने नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार स्थगित की गई परीक्षा का आयोजन अगले महीने किया जाएगा। जारी किए गए तारीख के अनुसार इस परीक्षा को 2 पालियों में लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन भी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन भरे हैं, उन्हें 20 फरवरी तक प्रवेश पत्र सीएसबीसी के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। राजद ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए की जदयू पर टिप्पणी। बिहार की राजनीति में पोस्टर का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों बिहार की राजनीति ट्विटर और सड़कों पर पोस्टर के जरिए ही दिखाई दे रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से राजद ने जदयू के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। जारी किए गए पोस्टर के तहत राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खास तौर से टिप्पणी करते हुए उन्हें कुर्सी का पुजारी करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक रह चुके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का स्थापना करवाया है, जिसके तहत पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 3-4 के बीच बने पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें, लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम अटकलों के बाद आया परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा, जहां केजरीवाल की सरकार ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अपना नाम दर्ज कर लिया है, जिसके बाद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर लोगों का आभार व्यक्त किया और साथ ही आने वाले 5 सालों में और ज्यादा काम करने का ऐलान भी किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान डाले गए थे, जिसका परिणाम बीते मंगलवार को जारी किया गया। रेलवे स्टेशन पर लगेगी ऑटोमेटिक टिकट मशीन। अब अनारक्षित बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे विभाग द्वारा लाए गए नई व्यवस्था के तहत जल्द ही यात्री अब अपने एटीएम कार्ड से भी यह टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का आदेश जारी किया गया है। खबरों की माने तो प्रथम चरण में 5 स्टेशन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, बरौनी और खगड़िया में इसको शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर की टिप्पणी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आयुष्मान बिहार की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें आयुष्मान कुर्सी की ज्यादा फिक्र है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयुष्मान भारत की योजना पर बिहार सरकार पर लगातार बयानबाजी करते नजर आए हैं। पटना से हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर जाना होगा अब और भी आसान। राजधानी पटना से अब फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी और ज्यादा सुविधाएं। खासकर के पटना से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को अब और ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि हाल ही में स्पाइसजेट ने हैदराबाद के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की है, जिससे कि अब यात्रियों को और ज्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। वहीं जारी किए गए समर शेड्यूल के अनुसार अब पटना से वाराणसी, जयपुर और गुवाहाटी भी फ्लाइट से जाने की सुविधाएं मिलेंगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे दरेन शहीदी की। दरेन शहीदी का जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। दरेन शहीदी ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई नई दिल्ली से की थी, जिसके बाद उन्होंने बीबीसी न्यूज चैनल में एंकरिंग का काम भी किया था। उन्होंने वर्ष 1998 में एनडीटीवी ज्वाइन किया और 2001 तक वहीं रहे। वहां से अब अपने प्रमुख शो स्पोर्ट्स सेंटर के एंकर के रूप में ESPN स्टार स्पोर्ट्स में चले गए। उन्होंने 5 साल तक इस शो की एंकरिंग की। उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार दिया गया। बीबीसी, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, ESPN स्टार स्पोर्ट्स और IBN7 के साथ भी काम किया है। काम आई प्रशांत किशोर की दिल्ली नीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जहां पर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई है। वहीं आम आदमी पार्टी की इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों को तो जाहिर है, साथ ही साथ रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी जमकर सराहना हो रही है, जहां पर प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से ना सही मगर अपने ट्विटर के माध्यम से बार बार दिल्ली में आपकी सरकार को वोट करने की अपील कर रहे थे। बोधगया दौरे के बाद बोले श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। भारत दौरे पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे बोधगया पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया और साथ ही मंदिर की खूब सराहना भी की। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बोधगया में श्रीलंका के श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बोधगया के मंदिरों के साथ साथ बोधगया में हुए विकास की भी सराहना की है। सिवान के आनंदबाग और सुंदरबाग में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सिवान प्रखंड के बखरी गांव स्थित आनंदबाग व सुंदरबाग मठ में प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संत मेले का आयोजन किया जाता है। सभी धर्मों में प्रेम व भाईचारे की सीख एवं योग सुविचार के सद्भावना के जरिए लोगों को संस्कारवान बनाने का जो प्रयास संत भगवान दास ने किया, उसकी गाथा आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर बिहार से ही नहीं बल्कि दूर राज्यों से, खासकर यूपी, बंगाल और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
इंटर परीक्षा की कॉपी की चेकिंग शुरू होगी 26 फरवरी से। बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा इसी सप्ताह खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से कॉपी की चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। खबरों की माने तो कॉपी चेकिंग के लिए बिहार बोर्ड ने 26 फरवरी की तारीख का ऐलान किया है। वहीं मैट्रिक की परीक्षा के कॉपियों की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा का मूल्यांकन 5 मार्च से शुरू होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कॉपियों की जांच सही तरीके से करवाने के लिए शिक्षा विभाग के आनंद किशोर 15 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। सीनियर राष्ट्रीय कैरम में बिहार की महिला बनी विजेता। बिहार की महिला टीम ने 48वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्य कैरम चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने यह चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में संपन्न प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने आंध्र प्रदेश की टीम को 3-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में बिहार की टीम ने मेजबान महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर टिकट टू फिनाले प्राप्त किया था। मंगल पांडे ने बिहार के उद्योग को लेकर कही बड़ी बात। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बिहार डेस्टिनेशन एक्सपो के संपन्न के दिन बिहार में उद्योग को लेकर बड़ा बयान दिया है। 5 दिनों तक चले एक्सपो के आखिरी दिन बिहार में उद्योग व्यवस्था की चर्चा करते हुए यह कहा है कि बिहार में उद्योग को लेकर अब हालात बदल चुके हैं। सड़क, बिजली, सुरक्षा सहित सभी तरह की सुविधाएं आज के समय में उद्योगपतियों को दी जा रही है। वहीं बीआईए के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने कहा है कि उन्हें जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कार्यक्रम सफल रहा। सुशील मोदी ने किसानों के खातों में पैसे मिलने का किया दावा। हाल ही में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में लगभग 1.20 करोड़ किसानों को सरकार की तरफ से राशि मिलने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे आधार से जुड़े उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा है कि प्राकृतिक समस्याओं की वजह से प्रभावित 18.85 लाख किसानों के बैंक खाते में 2 साल से 1,197.21 करोड़ रुपए की कृषि इनपुट का सब्सिडी भी दिया गया है। नीतीश के मंत्रियों का दिख रहा है अब हाईटेक अंदाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्रियों का आजकल हाईटेक अंदाज देखने को मिल रहा है। सभा में नहीं पहुंच पाने पर वीडियो कॉल के जरिए करने लगे हैं सभा को संबोधित। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में राजधानी पटना में बामेती के सभागार में दलहन कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार खुद तो नहीं पहुंच सके, मगर उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने दिल्ली वालों को आपको वोट करने की दी बधाई। जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत किशोर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे थे। केजरीवाल को मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर ने दिल्ली की जनता का शुक्रिया किया है और साथ ही यह कहा है कि भारत को बचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनावी साल में प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा और दिल्ली विधानसभा दोनों का ही दारोमदार संभाल रहे थे। हालांकि उन्हें बिहार के विधानसभा से जदयू की तरफ से बाहर कर दिया गया है, मगर दिल्ली में यकीनन उनकी रणनीति रंग लाई है। जदयू एलजेपी दूसरे पायदान पर, वहीं राजद उससे भी नीचे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टी जदयू और एलजेपी के 3 उम्मीदवार उतारे थे। तीनों सीटों पर जदयू और एलजेपी दूसरे पायदान पर है। वहीं राजद ने भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन राजद का हाल खराब रहा। जदयू और एलजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू की हालत भी बेहद ही खराब रही। कांग्रेस के दिए बयान पर राजद ने कसा तंज। कांग्रेस ने बयान दिया है कि बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस बयान पर तंज कसते हुए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अकेले चुनाव में उतर आए किसने मना किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का क्या जनाधार है, दिल्ली में अकेले तो उतरे थे, किस तरह का नतीजा आया है यह सबके सामने है। दिल्ली में मिली हार के बाद बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। इसके साथ ही बिहार की राजनीतिक पार्टियों के भी भविष्य का फैसला आ गया है। दिल्ली में विस्तार करने का मन बना रही जदयू पार्टी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजेंद्र नगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जनता मालिक है, जो वो करना चाहती है वही करती है। इसके आगे उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। फिलहाल ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिल रही है, ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रही है या नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,120 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 45,601 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.47 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.33 रुपए प्रति लीटर था। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर में धूप निकलने की संभावना है, मगर कुछ जगहों पर बादलों के छाने से ठंड में इजाफा हो सकता है। राहुल के शतक के साथ जुड़े कई रिकॉर्ड्स।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट मोंगनुई में खेले गए तीसरे वनडे मैच में केएल राहुल ने शानदार पारी खेलते हुए शतक जमाया है। आपको बता दें केएल राहुल इस सीरीज में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे थे। केएल राहुल इस मैच में उस समय बल्लेबाजी करने आए जब भारतीय टीम को रनों की जरूरत थी। उस समय केएल राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 100 रनों की साझेदारी की और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। केएल राहुल ने 104 गेंदों में एक छक्के और 9 चौके की मदद से अपना शतक पूरा किया। उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ यह पहला शतक था जिसमें कि अब केएल राहुल सबसे कम पारियों में 4 शतक बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। पटना में पैदल चलने वालों को मिलेगी और ज्यादा सुविधाएं। सभी पटना वासियों के लिए खुशखबरी। पटना की सड़कों पर पैदल सफर करने वाले नागरिकों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कई अहम ऐलान किया है जिसके तहत अब सड़कों को क्रॉस करना आम नागरिकों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि बिहार राज्य परिवहन निगम ने पटना के 2 मुख्य सड़कों पर फुटओवर ब्रिज बनाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक संजय कुमार अग्रवाल ने राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फुटओवर ब्रिज का निरीक्षण भी किया है। दिल्ली में भाजपा को मिली हार पर बोले पप्पू यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद जा प्रमुख पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मंगलवार को आए परिणाम के रूप में बजरंगबली ने भाजपा को उनके किए का फल सौंपा है। इसके साथ ही दिल्ली वालों ने अपना वोट केजरीवाल को देकर भाजपा को उसकी असलियत बताई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विजय कुमार, रतन कुमार पासी, सोनम भारती, प्रमोद सिंह, दरोगा कुमार, विवेक कुमार, बबलू यादव, कुंदन कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रीति राज, जूही कुमारी, हितेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपके हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।